तुम्हें ये जैबरोस मिला कहाँ से? अरे दरअसल ये पोकेमॉन प्रोफेसर दादाजी के पास आया था इलाज के लिए दूसरे गांव से, और इलाज खत्म होने के बाद दादाजी ने मुझे इसको सही सलामत गांव छोड़ के आने का आदेश दिया। और मैंने सोचा मैं इस लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में और जान भी पाऊंगा, और इसी हिसाब से यार अगर तुम लोगों को भी मैं साथ ले जाऊंगा तो हमारा एडवेंचर भी हो जाएगा बोल के इसीलिए मैं आया हूँ इधर। मतलब कि हम एक न्यू एडवेंचर करने वाले हैं। ऑगी जैक सिंचन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, तुम लोग अपने पोकेमॉन सीजन का पहला एडवेंचर करने के लिए जा रहे हो। हाँ ओए बिल्कुल स्टीव, यानी कि जैबडॉस को उसके घर तक छोड़ के आना है। हाँ यार जैबडॉस तैयार हो जा तो फिर अपने घर तक जाने के लिए। अरे इस एडवेंचर में आप भी होते स्टीव, ये तो मजे ही आ जाते। अरे यार मैंने बोला ना सिंचन, हम में से एक को यार गाँव की हिफाजत के लिए बैठना होगा। हाँ स्टीव बिल्कुल सही बोल रहा है, हम तीन भाई भी इस एडवेंचर को पूरा कर सकते। अरे बिल्कुल कर सकते हो तुम तीन भाई, मैं तो यार खैर बहुत सारे एडवेंचर में जा चुका हूँ, तुम तीनों भाई का ये पहला एडवेंचर है वो भी साथ पे यार, एकदम फतेह करके आना मेरे भाइयों। अरे यार बिल्कुल जैबडॉस को हम बिल्कुल सही सलामत उसके गांव तक छोड़ के आएंगे, है ना जैक भैया सिंचन मुन्ना। ओए बिल्कुल, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। ओए यार चलते है ना तो फिर जल्दी से आप। जल्दी से जाएंगे, जल्दी से लेट के आएंगे। हाँ यार अब हमें जाना भी है स्टीव, तो फिर यार हमारे पोकेमॉन गांव हमारे जिम क्लब को एकदम यार ख्याल रखना ठीक है। अरे यार तुम लोग फिकर मत करो यार, तुम लोग आराम से जाओ और आराम से लौट के आओ, इधर तुम्हारा भाई स्टीव है ना, लेकिन तुम लोग जैबडॉस को अच्छी तरीके से उसके गांव तक छोड़ के आना, और रास्ते में कुछ भी आ सकता है खतरा वतरा एकदम संभाल के ठीक है। और ऑगी इस एडवेंचर को तुम लीड करोगे। हाँ बिल्कुल, चलो तो फिर है जैक भैया सिंचन बुड्ढा आ जाओ। ओए तो फिर इस एडवेंचर मिशन को आगे लीड करने वाला है। तो फिर मंजूर है, चलो तो फिर मेरे लीडर आगे जाइए। हाँ तो मेरे भाइयों चलो, ये हमारा पहला एडवेंचर मिशन है, हम लोग को फतेह करके ही आना है और जैबडॉस को उसके गांव तक सही सलामत छोड़ के आना होगा। चलो तो फिर आसमान के ऊंचाई में। ओए यार बादलों के ऊपर तो कतई मजा आ रहा है होगी। हे जैकी गिल, मैं भी आ रहा हूँ ऊपर। अरे यार बिल्कुल, चलो यार एडवेंचर शुरू होते ही मजा आना भी चालू हो गया। अरे यार बादलों के ऊपर हम एकदम सफारी कर रहे हैं अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन में। मेरे प्यारे दोस्त जैबडॉस, चिंता मत कर, हम तुझे सही सलामत तेरे घर तक छोड़ के आएंगे। और हाँ मुझे पता है जैबडॉस के घर तक का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, रास्ते में बहुत सारे रुकावट आने वाला है, लेकिन ये ऑगी तुझसे वादा करता है जैबडॉस, तुझे ये ऑगी सही सलामत तेरे घर तक छोड़ के आएगा। अरे यार बातों बातों में लगता है जैक भैया सिंचन मुन्ना तो आ गए निकल गए। अरे यार मैं इस एडवेंचर मिशन का लीडर हूँ और मैं ही पीछे रह गया। चलो चलो यार अब मुझे जल्दी करना होगा, तो फिर यार पटेल लोग अपने घर छोड़ने से पहले चलो यार फटाक से सभी लोग लाइक कर दो यार वीडियो को, और यार 300 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं उसके लिए सभी को कंग्रेचुलेशन, और जल्दी करा दो बस। चलो तो फिर दो घंटे हो चुके हैं ओगी अंकल, अभी तक जैबडॉस का गांव आया नहीं के। ओए ओगी और कितना दूर है? हे मैं देख रहा हूँ, रुको यार। हे यार लगता है हम डेजर्ट वाले इलाके से आगे बढ़ रहे हैं। अरे यार मतलब कि आगे खतरा हो सकता है। हे यार मुझे जल्दी से नीचे जाके जैक भैया सिंचन मुन्ना को बताना होगा। हे जैक भैया सिंचन मुन्ना सुनो मेरी बात अब अच्छे से। ओए यार तू हमारे लीडर होके भी हमसे पीछे होता है यार, जल्दी से आगे बढ़ती है चलो यार। हे रुको भाइयों पहले मेरे बात सुनो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेजर्ट वाले इलाके से, और तुम लोग को पता ही है ना डेजर्ट वाले इलाके में कौन रहते हैं। हे चाहे कोई भी रहे हमसे क्या मतलब, हम तो सीधे आगे बढ़ेंगे, ये ना जी अंकल। ओए बिल्कुल यार, अगर कोई रास्ते में आया तो उसको तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, जैसे कि प्रोफेसर दादाजी ने मुझे बताया था डेजर्ट वाले इलाके में पोकेमॉन किडनैपर्स रहते हैं, और यार उन्होंने मुझे वार्निंग भी दिया था कि उस इलाके में ज्यादा देर मत रहने का, तो इसीलिए हमें इधर से जल्द जाना होगा भाइयों। जल्द से जल्द डेजर्ट इलाका एकदम पार करने के बाद हम रेस्ट करेंगे, और अभी रेस्ट नहीं कर सकते। चलो तो फिर आगे बढ़ते रहो जैक भैया सिंचन मुन्ना। मतलब कि डेजर्ट एरिया में पोकेमॉन किडनैपर्स रहते हैं अंकल,
हाँ बिल्कुल यार, इसीलिए हमें इधर से चल जाना होगा। अगर यार जेब्रस को कुछ भी हुआ तो यार प्रोफेसर दादाजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, और हमें जैसे भी ये एडवेंचर मिशन को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एडवेंचर मिशन है जैक भैया। सिंचन मुन्ना, समझ गए ना तुम लोग? ओए मैं तो समझ गया होगी, लेकिन लगता है ये वक्त उन पोकेमॉन किडनैपर्स को समझाने का है। ओए रुक, मैं उन पोकेमॉन किडनैपर्स की ऐसी की तैसी करता हूँ। भैया ऐसा सोचता भी मत। हाँ, डेजर्ट पोकेमॉन किडनैपर्स को जानते नहीं, उन लोग का एरिया इतना बड़ा है कि उधर हमारे जैसे पोकेमॉन का गांव 10 बन सके भैया। और वो लोग हमेशा इसी ताक पे रहते हैं कि अगर कोई बाहर के गांव के पोकेमॉन ट्रेनर आए तो उसके पोकेमॉन पूरा किडनैप कर सके और लूट सके उससे। हाँ, उनके एरिया में कब कहाँ से अटैक हो पता भी नहीं चलता। एक एक जगह में पोकेमॉन किडनैपर्स चील के निगाहें बना के रखते हैं, इसीलिए हम इस इलाके में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। समझ गए जैक भैया? सिंचन मुन्ना, ओए बिल्कुल समझ गए है ना सिंचन मुन्ना? हम समझ गए अंकल की, इन लोग को मजा चक्का नहीं होगा। ओए बिल्कुल, चल आज इन पोकेमॉन किडनैपर्स की ऐसी की तैसी करते हैं, दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर के पोकेमॉन चुराते हुए इनको शर्म नहीं आती क्या? यार तुम लोग क्या बोल रहे हो, हम अभी मिशन में है, हमेशा कुछ भी नहीं कर सकते जैक भैया सिंचन मुन्ना, तुम लोग मेरे बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम लोग चले तो चले कि नहीं? अरे जैक भैया सिंचन मुन्ना, मैं इस एडवेंचर मिशन का लीडर हूँ, और मैं तुम लोग को हुक्म देता हूँ कि तुम लोग जल्द से जल्द ऊपर आओ, हमें जल्द से जल्द इधर से जाना होगा। तुम लोग को पता नहीं पोकेमॉन किडनैपर्स कुछ भी कर सकते हैं यार, है मेरे इन लोगों को एडवेंचर मिशन में लाया ही क्यों? ओए पोकेमॉन किडनैपर्स, तुम लोग चारों तरफ से घेर चुके हो, अब होगा इधर जंग। जैक भैया अभी भी वक्त है, अपने पिछियों को जल्दी से ऊपर लेके आइए, और सिंचन तू भी। नहीं है कि इन लोग को सबक सीखा नहीं होगा हमें। चलो बारिश भी हो गया, अब मजा आएगा फाइट करने में पोकेमॉन की डैपर्स। है जैक भैया सिंचन मुन्ना, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम लोग इधर मिशन में है यार। नहीं अंकल, मिशन से भी बढ़कर होता ही एक पोकेमॉन। पता है आपको अंकल, एक पोकेमॉन को हम किसी पाइप उसकी बड़ाई करते ही। मैंने चलो यार जैपडॉस को पोकबॉल के अंडर डाल लिए है, और तुम लोग जैक भैया सिंचन मुन्ना, स्टीव ने क्या बोला था, इस एडवेंचर मिशन का लीडर मैं हूँ और मैं तुम लोग को लीड करूंगा। ओए होगी, अभी छोड़ इन बातों को, अभी इन पोकेमॉन की टैपर्स को मजा चकाना होगा। चलो तो फिर हमला करना चालू कर देते हैं, दूसरे के पोकेमॉन की टैप करने वाले की टैपर्स तुम लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। ओए बोले तो आज तुम लोगों का हम हड्डी पस्ती कर देंगे। ये लोग करवा के मानेंगे। है जैपडॉस के सेफ्टी के लिए मुझे मेरा हर एक वाटर टाइप पोकेमॉन को निकाल के रेडी रखना होगा, क्योंकि ये लोग ने सांप के बिल में अपना हाथ घुसा चुके हैं, और अभी जंग कभी भी शुरू हो सकता है। और इन लोगों का भाई होने के नाते मैं इन लोगों को अकेले छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग है एक टीम। हाँ तो मेरे सभी के सभी वाटर टाइप पोकेमॉन्स एकदम तैयार हो जाओ आज एक पोकेमॉन वार फाइट के लिए। ओए अपने पोकेमॉन निकाल सिंचन, किसी को छोड़ियो मत, और मुझे पता था ओगी भी हमारा साथ होगा। हाँ तुम लोग जैसे निकम्मे भाई लोग को अकेला छोड़ भी नहीं सकता ना मैं, तुम्हारी ऐसी की जैसी किडनैपर्स। ओए मतलब कि तुम इन लोगों के साथ बदला लेना तो चाहता है ना? हाँ भैया चाहता तो हूँ, लेकिन ये सही समय नहीं था। ओए सही समय नहीं होता होगी, बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही बोले जी के। हाँ लेकिन तू है किधर सिंचन? इधर तो सिर्फ यार मेरा वाटर टाइप पोकेमॉन और जैक भैया का ग्रास टाइप पोकेमॉन ही लड़ रहे हैं ना। रुकिए थोड़ी देर, मेरे लिए इंतजार कीजिए। ओए हाथ जल्दी कर सिंचन। हाँ यार इन लोगों के पास तो इतने सारे पोकेमॉन है, रीडो रीडो से लेकर चारी जोर तक। ओए ये लोग किडनैपर्स जो ठहरे, एक भी पोकेमॉन इन लोग का नहीं, ये लोग सभी पोकेमॉन को किडनैप करते हैं। हाँ इन लोगों को सबक सिखाना तो बनता है, और यार इधर तो मियाउथ भी है। हे चाहे जो भी हो, चलो तो फिर ठीक है, अब मेरी फाइटर पोकेमॉन तैयार ही है, तो फिर चलो फाइट को शुरू करो मेरी फाइटर पोकेमॉन। अरे यार सही समय में फाइट शुरू किया यार, इन लोग की ऐसी की तेजी यार, ये लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। अरे यार मुझे लगता है मुझे और वाटर टाइप पोकेमॉन को इधर स्पॉन करना होगा। है यार अब वक्त आ चुका है वाटर टाइप पोकेमॉन का कमाल दिखाने का, गोल्ड डक का झुंड आ रहा है। ओए बिल्कुल होगी, आज तक तो तू टूर्नामेंट हारते आ रहा है, लेकिन आज तुझे अपने आप को और अपने पोकेमॉन को प्रूफ करना ही होगा कि तू भी किसी से कम नहीं। हाँ चलो ठीक है, फाइट टाइप पोकेमॉन और ग्रास टाइप पोकेमॉन
आपने ज्यादा ही कर लिया। आप फायर टाइप पोकेबॉल और ग्रास टाइप पोकेबॉल का मदद करने के लिए वाटर टाइप पोकेबॉल से आ रहा है। खास पोकेबॉल जोन तुम्हारी तो ऐसी की तैसी किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ये हुई ना बात, अब वक्त है इन सभी पोकेबॉल किडनैपर्स को खत्म करने का। हाँ बिल्कुल, चलो तो फिर ऐसे फाइट पे काम आता है गोल्डन का झुंड। बिल्कुल सही, ये रहा मेरा गोल्डन का झुंड जो कि यार ग्रुप फाइट में कमाल के है। गोल्डन के झुंड जाओ और पोकेबॉल किडनैपर सभी को बचा चखाओ। के कल आप लोग को ही संभालना होगा, मेरी फाइट पोकेबॉल सभी के सभी थक चुके हैं। ओए यार अब मैं भी ज्यादा ग्रास टाइप पोकेबॉल को स्पॉट नहीं कर सकता, बस मेरा तो इतना ही है। अरे यार बिल्कुल फिकर मत करो, अब आ चुका है ना मेरा गोल्डन का झुंड। अब बस समझो कि फाइट खत्म है ना मेरे गोल्डन के झुंड। देखो कैसे मार रहा है पोकेबॉल किडनैपर्स और उनके पोकेबॉल को। ये जब हेक को मार दिया मेरे इस तरीके से तीर, तो इसका देखो अब चकनाचूर होना तय है। एक एक को चुन चुन के मैं जिसको भी मारता हूँ ना मेरे गोल्डन के झुंड उसको छोड़ते नहीं। अरे यार देखो कैसे कचुंबर बना रहे हैं, अब एक भी पोकेबॉल किडनैपर्स बचने वाले नहीं। अब बारी है तेरी, ये ले। इसके पास तो चारिजोर भी है, चारिजोर तुझे भी खत्म कर रहा होगा। ये ले तू दुष्ट चारिजोर। उस चारिजोर को भी छोड़ा मैं, वो पोकेबॉल किडनैपर्स की चारिजोर ही। हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पता है, और एक एक को छोड़ूंगा नहीं। अब बारी इसकी है, इसको भी मारो। है मेरे पोकेबॉल को मारने के लिए चला है, तेरी तो ऐसी की तैसी है। ये हुई ना बात, देखो यार पहली बार इंसान वर्सेस पोकेबॉल का फाइट भी देखने को मिल रहा है। और ये देखो दुश्मन का फीरो, ये ले तेरी तो ऐसी की तैसी। अब बचेगा कोई भी नहीं। हाँ यार हमने पूरा पोकेबॉल की डैमेज को ही एकदम बुरी तरीके से साफ कर डाला यार। हाँ तो चलो सभी के सभी पोकेबॉल किडनैपर्स खत्म। और यार जैब्रोस अब खुलेआम तुम घूम सकते हो। और यार जैक भैया सिंचाई मुन्ना पहले तुम लोग इधर आ जाओ। तुम लोगों को क्या जरूरत था एडवेंचर के बीचों बीच ऐसा सब कुछ करने का? ओए यार जो भी किया अच्छा ही तो किया ना होगी। देख अब ये लोग कभी भी किसी के पोकेबॉल को किडनैप नहीं कर पाएंगे। और अब चलो यार एडवेंचर मिशन को एकदम कंटिन्यू करते। हाँ हाँ रुको, पहले मुझे रास्ता देख ले दो। हाँ हमें जाना किधर है अब? लेकिन मुझे नहीं लगता ये पोकेमॉन किडनैपर्स हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इन लोगों को घर में घुस के मारा है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये फाइट की बस शुरुआत है यार, ऐसे तो कतई नहीं हो सकता। गांव जो कि यार प्रोफेसर दादाजी ने कहा था उनका गांव तो यार 10 गांव के बराबर घेर रहे थे दादाजी, लेकिन ये गांव तो काफी छोटा है। अरे यार कुछ ना कुछ तो इधर जरूर गड़बड़ है। है आगे ये क्या है? अरे लगता है हमने जिधर फाइट किया वो तो बस एक छोटा सा एरिया था, असली एरिया तो लगता है आगे है। जैक भैया सिंचर बुन्ना ओए क्या हुआ? है अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अब जो होने वाला है आगे होगा। हमने बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ पंगा ले लिया है, हमें जल्द से जल्द इधर से निकलना होगा। हे यार अब हमारा क्या होगा? ये पोकेबॉल किडनैपर्स के गैंगस्टर हमें छोड़ने वाले तो कतई नहीं है। जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा।